अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा के तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार में जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही अंदर जाने वाले होते तो वह बालक उनको वही रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकलकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती जब बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित करते देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, वह दृष्टिहीन भी थी, उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूँगा। बुढ़िया बोलती है, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। गणेश जी बोलते हैं कि अपने बेटे भू से पूछ कर मांग ले कुछ। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछने चली जाती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगू मैं। पुत्र कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती तो बहू नाती मांगने के लिए कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीजें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपनी पड़ोसनों से पूछने चली जाती है तो पड़ोसन कहती है, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद बुढ़िया गणेश जी से बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं। बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा उनको मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में दो सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और दूध फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं।